करने के लिए फिफ्थ क्लास की मैथ्स आनी चाहिए, वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन थोड़ा आता है। डोंट जस्टिफाई योर लॉसेस सेइंग कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और आप वहां पे बहुत सारी स्टार्टअप्स को सालाना बंद होते हुए भी देख रहे हो, और इसके बहुत सारे रीजन है कि क्यों हमारे देश के अंदर ऑनलाइन ग्रॉसरी नहीं चल रही है, क्या रीजन है ऑनलाइन ग्रॉसरी के फेलियर के पीछे। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। हमारे साथ में आकाश अग्रवाल है, दूधवाला के फाउंडर। दूधवाला एक स्टार्टअप थी जो कि इसी स्पेस के अंदर स्केल करने की कोशिश कर रही थी, पर एट लास्ट उनको फेलियर देखना पड़ा। तो हम पूरा इनसाइड डेटा जानने की कोशिश करेंगे क्यों स्टार्टअप फेल होती है, और बहुत सारा डेटा आपके पास में आएगा। तो सबसे पहले एक ऑनलाइन ग्रॉसरी के बिजनेस को समझ लेते हैं। आपके फोन में कोई ऐप डली होगी, वहां से आप ऑर्डर करते हैं किसी भी ग्रॉसरी के लिए। वो ऑर्डर जाता है एक पास वाले स्टोर के पास में, उनको डार्क स्टोर कहा जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे ऑर्डर जाता है, वहाँ पे जो टीम होती है वो ऑर्डर को इकट्ठा करके बाहर डिलीवरी वाले के पास पहुँचाती है, और वो डिलीवरी वाला आपके घर पे उस ऑर्डर को लेके आता है। ये पूरा प्रोसेस इतना एफिशिएंट होता है, इसी रीज़न के चक्कर में आपके घर पे डिलीवरी बहुत फास्ट तरीके से पहुँच पाती है। अभी मैंने एक रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ी, एक मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर हो गया एक कस्टमर के पास में। ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये पूरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्विक था। तो इंडियन ग्रोसरी मार्केट को समझने के लिए पहले तो इसका मार्केट साइज समझना पड़ेगा, बिकॉज आप एवरी सेकेंड डे न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी ने अपनी ग्रोसरी डिलीवरी चालू करी है, जैसे जोमेटो ने ब्लिंकिट के थ्रू, स्विगी ने इंस्टामार्ट चालू किया था, और अब टाटा और रिलायंस जियो भी बहुत बड़े तरीके से ग्रोसरी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ग्रोसरी और या ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री इतना कोवेटेड है, या इतना इसको एक ई कॉमर्स का एज अ होल होली ग्रेल मानते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजन। ग्रोसरी का जो मार्केट साइज पहले अगर समझेंगे तो करंट ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट साइज इज अबाउट $3 to $4 billion। इसका मतलब ये 30 से 35 हज़ार करोड़ का मार्केट है, और इस मार्केट को कहते हैं कि 2027 मतलब अगले 4 या 5 साल में ये ऑन एन एनुअल बेसिस 30 से 35% ग्रो करेगा। अब जो नॉर्मल दूसरी अदर इंडस्ट्रीज होती है वो एनीवेयर बिटवीन 2% to 20% ग्रो करती है, 30-35% बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए बहुत बड़ी कंपनीज, जितनी बड़ी कंपनियाज है, वेदर इट इज़ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो, टाटा, एवरीवन वांट्स टू गेट टू द ग्रोसरी मार्केट। ये एक रीज़न है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी है, एंड मार्केट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। इनफैक्ट अगर पेनिट्रेशन के हिसाब से देखें, ई कॉमर्स जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप खरीदते हैं, ई कॉमर्स का ओवरऑल पेनिट्रेशन ऑफ टोटल रिटेल मतलब जितनी खरीदारी होती है उसमें ऑनलाइन जो खरीदारी होती है वो अबाउट 4% है इंडिया में। चाइना में देखेंगे तो ये डबल डिजिट परसेंटेज में है, यूएस में और भी ज़्यादा है। इसका मतलब अभी बहुत हेडरूम है ई कॉमर्स को ग्रो करने के लिए, इवन इफ इट हैज़ टू इक्वल दी ऑफलाइन अपॉर्चुनिटी। अब ग्रोसरी मार्केट में अगर ये देखें तो ये पेनिट्रेशन बहुत कम है, ये 1.5 से 2% के बीच में है। एंड इसका मतलब ये है कि ना ही इसका मार्केट साइज बड़े होने वाला है, इसका ऑनलाइन ओवरऑल पाए जो है मार्केट का, जो पेनिट्रेशन इसका है वो भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसलिए इसको एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट कहते हैं। एंड फ्रॉम अ कस्टमर एंगल अगर आप देखें तो ग्रोसरीज जो है एक बहुत हाई एंगेजमेंट स्क्यू है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है। ये इसलिए है क्योंकि मान लीजिए आपने एक आईफोन खरीदा है या आपने कोई और सेलफोन खरीदा है, तो आप उसको मे बी 2 या 3 बार इन अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स खरीदेंगे या 2-3 बार चेंज करेंगे। लेकिन ग्रोसरीज जो है इसको आप बार बार ऑर्डर करते हैं, जो FMCG आइटम्स है उसको आप महीने में 1 बार या 2 बार ऑर्डर करते हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, जो सब्जी है, फ्रूट्स है, इसको आप रोज या एवरी सेकेंड थर्ड डे ऑर्डर करते हैं। इसलिए कस्टमर्स बार बार स्टोर में या ऐप में आते हैं और ऐप और कंपनी से इंगेज करते हैं, इसलिए इसको एक हाई एंगेजमेंट कैटेगरी बोला जाता है। एंड गिवन द फैक्ट कि इसका मार्केट साइज इतना बड़ा है एंड 30,000 करोड़ का अभी है और ये 10 गुना हो जाएगा अगले 5 साल में, इसका ऑनलाइन पेनिट्रेशन बहुत कम है और ये सिर्फ बढ़ने वाला है। एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट ये एक हाई एंगेजमेंट कैटरी है, इसलिए इसको एक होली ग्रेल ऑफ ई कॉमर्स माना जाता है। एंड अबव ऑल ये मार्केट अभी किसी ने बहुत एफिशिएंटली क्रैक नहीं किया है। माना कि बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे बिग बास्केट है जो बहुत अच्छा बिजनेस बना रही है, लेकिन टू से कि मार्केट या बिजनेस मॉडल को एंटायरली क्रैक कर दिया गया है, इट माइट बी अ लिटिल टू सून। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों इस कैटेगरी के अंदर स्टार्टअप फेल हो रही है। सबसे पहला रीजन है एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा जा रहा है। एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप 50-100 रुपये खर्च कर रहे हो,
और आप उससे 5-10 रुपए कमा रहे हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि एक नई आईडी बनाते हैं, पहले ऑर्डर का डिस्काउंट लेते हैं, उसके बाद में नई आईडी बना के फिर से ऑर्डर करते हैं। आप भी शायद उनमें से कई लोगों में से एक होंगे। अगर आपने ऐसा कभी किया है कि नई नई आईडीज बना के डिस्काउंट लिया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगला एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई इनके पास में कोई मोट नहीं है। मोट का मतलब इनके पास कुछ ऐसा अलग नहीं है जिसकी वजह से इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आज के टाइम पे अगर आप आशीर्वाद आटा एक ऐप से मंगा रहे हो, वहां पे 100 रुपए का मिल रहा है, कल को कोई और ऐप आपको 80 रुपए में देगी, आप वहां चले जाओगे। तो इसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन नहीं रह पाती है क्योंकि आपके पास मोट नहीं है। अगर आपके पास में खुद के कुछ प्रोडक्ट्स होते, यूएसपी होती, तो आप शायद कुछ अलग कर सकते थे। एक कंपनी है कंट्री डिलाइट करके जो दूध के सेक्टर में काम कर रही है, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है, वो आपको दूध वूध वगैरह वगैरह आपके घर पर डिलीवर कर रही है। देखते हैं कितना लंबा चल पाती है। अगला रीजन है कॉम्पिटिशन। ये ऐप्स कम्पीट कर रही है घर के पास वाले किराने वाले से। रीजन समझाता हूं। आज के टाइम पे अगर आप ये क्विक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं तो आप इमरजेंसी बेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, आप अपने घर का सारा सामान ऑनलाइन नहीं मंगा रहे हैं। कुछ लोग मंगा रहे होंगे पर बहुत ही कम लोग ऐसा कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो आपको अगर अर्जेंटली कोई मेहमान घर पे आया है तो आपने ऑर्डर करना है और छोटा सा चीज मंगा लेनी है। कुछ कंपनीज तो ऐड दिखा रही है 10-10, 15 रुपए के ऑर्डर हम डिलीवर कर देते हैं आपको, पर अगर सारे कस्टमर ये 10-10, 15-15 रुपए की आइटम मंगाने लग जाएंगे तो कंपनी वैसे ही बैंकक्रप्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो मेरे घर के पास में किराने वाला है, वो उनसे हमारे बहुत टाइम से रिलेशनशिप है, हमेशा हम उनसे सामान मंगाते हैं, वो हमको डिस्काउंट भी दे देते हैं, इज्जत मान भी करते हैं और मेरे घर पर डिलीवर भी करते थे। मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती उनकी और मुझे पता है अगर मेरे कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो मैं उनको सुना के आता हूँ और मुझे वो रिकमेंड भी करते हैं कि एक नया चावल आया है ये वाला, आप ये वाला ट्राई करो, एक ये नई चीज आई है आप ये ट्राई करो, और मैं उन पे भरोसा करता हूं और मैं उनसे ले लेता हूं। और ये जो भरोसा वाला सीन है ना, इसकी वजह से 90% से ज्यादा लोग सिर्फ अपने घर के आसपास किराना वाला से लेना पसंद करते हैं। अगली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। अगर आपको टाइम पे किसी कस्टमर के पास में प्रोडक्ट पहुंचाना है तो आपको उस कस्टमर के 4-5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर ही अपना डार्क स्टोर खोलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। एक बार कॉस्ट के बारे में सोचते हैं आकाश भाई से कि भाई कॉस्ट किस किस टाइप की एसोसिएट हो रही है इन सारी चीजों के साथ में, क्यों इतना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है ये वाला बिजनेस। तो साहिल, ग्रोसरी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए इसको हमको दो पार्ट्स में बांटना होगा। एक होता है आपका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है, जो कस्टमर एंड होता है, बेसिकली कस्टमर ऑन एन एवरेज कितने अमाउंट का आइटम्स खरीदता है एंड इससे आपका कंपनी का रेवेन्यू आता है पर कस्टमर। एंड दूसरा एंगल जो होता है वो है कॉस्टिंग, विच इज बेसिकली आपका मार्जिन क्या है और आपका लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी चार्ज क्या है उस ऑर्डर को फुलफिल करने का। तो अब इसको समझने के लिए पहले हम ग्रोसरी को समझते हैं एज एन इंडस्ट्री। ग्रोसरी इंडस्ट्री को टिपिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है स्टॉकअप, विच इज बेसिकली अगर आप मान लीजिए दाल चावल आटा, ये चीज जो आप मे बी हर 2 या 3 महीने में एक बार खरीदते हैं, ये एक सेक्शन हो गया। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। और दूसरा पार्ट हो गया जो आप मे बी आज स्विगी इंस्टामार्ट से खरीदते हो, विच इज बेसिकली आपको कभी ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए और एनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए जो आपको एवरी 1 or 2 days में चलते हैं, तो इसको कहते हैं टॉपअप। तो दोनों का जाहिर है कि ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिफरेंट होगा। जो टॉपअप मॉडल है उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम रहेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और जो स्टॉकअप मॉडल है उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन हम इसको एज अ जनरल रूल मानेंगे कि ऑन एन एवरेज इट कुड बी एनी वेयर बिटवीन 400 rupees टू इवन 1000 rupees ऑफ एन एवरेज ऑर्डर वैल्यू। जैसे आज स्विगी इंस्टामार्ट का अबाउट 400-350 rupees है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, और बिग बास्केट का है अराउंड 1000 rupees 1100 rupees है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ये हो गया आपका रेवेन्यू पार्ट। अब पहले हम कॉस्टिंग में ब्रेकअप करते हैं। अब कॉस्टिंग में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है फर्स्ट माइल, एक होता है मिड माइल, एक होता है लास्ट माइल। अब जस्ट टू ब्रेक इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, फर्स्ट माइल कॉस्ट जो होता है आपको आपके एक मेन वेयरहाउस पे पहुंचाने का कॉस्ट होता है। अब इन जनरल जो ये फर्स्ट माइल कॉस्ट होता है ये जो आपके सप्लायर्स होते हैं वो बेयर करते हैं, बिकॉज आप उनसे नेगोशिएट करते हुए बोलते हैं कि आपको जो आपका स्टॉक है वो आपको इस वेयरहाउस में पहुंचाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब आपके पास जीरो कॉस्ट पे, विच इज जीरो फर्स्ट माइल कॉस्ट पे, आपका स्टॉक आपके मेन वेयरहाउस से पहुंच गया है, आपको वहां पे पर ऑर्डर पैकिंग करके इसको आपके डार्क स्टोर, जो बेसिकली कस्टमर से सबसे पास में एक स्टोर रहता है, वहां तक पहुंचाने का
काम करना होगा जिसको कहते हैं मिड माइल कॉस्ट। तो मिड माइल में आपका पैकेजिंग आ जाता है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आ जाता है जहाँ पे आपका आइटम डिलीवर किए गए, और वहां से डार्क स्टोर्स तक पहुंचाने का आपका कॉस्ट आ जाता है एंटायर मिड माइल कॉस्ट में। सो टिपिकली अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो ये मिड माइल कॉस्ट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 7 रुपीज टू इवन 20 to 25 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का मॉडल है। अब बिग बास्केट की तरह का अगर आपका स्टॉकअप मॉडल है तो उसमें आपके बहुत आइटम्स होंगे, पैकेजिंग कॉस्ट लार्जर होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट लार्जर होगा ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस। सो दिस वुड वेरी एनीवेयर बिटवीन 7 to 25 रुपीज। अब इसके बाद आता है मेन कॉस्ट आपका, जो आपके डार्क स्टोर, डार्क स्टोर जैसा आपने समझाया होता है बेसिकली कस्टमर के हाउस से क्लोजेस्ट स्टोर, इसको एक हब भी बोला जा सकता है, और इस हब से कस्टमर तक पहुंचाने का आपका क्या कॉस्ट है। तो इसमें क्या कॉस्ट हो गया, मान लीजिए एक डार्क स्टोर का रेंटल कॉस्ट हो गया और वहां से आपको पहुंचाने का डिलीवरी कॉस्ट हो गया, डिलीवरी कॉस्ट में डिलीवरी पर्सन की सैलरी हो गई, इंसेंटिव्स हो गए और फ्यूल का बिल हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कॉस्ट मिला के आपको एक डिलीवरी कॉस्ट या लास्ट माइल कॉस्ट आता है। अगर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट समझे तो बेसिकली मान लीजिए वो 30,000 रुपीज की इंसेंटिव्स मिला के सैलरी है ऑन अ मंथली बेसिस, एंड दैट डिलीवरी पर्सन इज डूइंग अबाउट मे बी 15 ऑर्डर्स ऑन अ डेली बेसिस, विच मीन्स कि वो महीने के 400 से 500 ऑर्डर कर रहा है, मान लीजिए 500 ऑर्डर कर रहा है और उसको 30,000 की सैलरी मिल रही है, इसका मतलब उसके 500 ऑर्डर करने के 30,000 रुपए है, एंड ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस ही इज चार्जिंग अबाउट 60 रुपीज, या उसका कॉस्ट जो है वो अबाउट 60 रुपीज ऑन एन ऑर्डर आ रहा है। सो अगर आप इसको अब टोटल करें कॉस्ट को, तो आपका जो पूरा डिलीवरी बॉय का कॉस्ट है वो है अबाउट 60 रुपीज, मान लीजिए आपके एडिशनल जो डार्क स्टोर का कॉस्ट है लास्ट माइल में वो 5 रुपये आता है, तो लेट्स एवरेज की 60-65 रुपीज़ आपका लास्ट माइल कॉस्ट है। एंड देन मिड माइल कॉस्ट जो हमने कहा था एनीवेयर बिटवीन 7 to 25 रुपीज, सो अगर इसको हम 15 रुपये मान लें, सो दिस कॉस्ट इज नाउ कमिंग एट 65 + 15, विच का मतलब अबाउट 80 रुपीज। सो द एंटायर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी चार्ज फ्रॉम द टाइम इट कम्स इन टू योर वेयर हाउस टू द टाइम कस्टमर के डोर स्टेप पर डिलीवरी हो जाए इज अबाउट 80 रुपीज ऑन एन ऑर्डर बेसिस। अब अगर ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसकी मान लीजिए 400 रुपीज है जो स्विगी इंस्टामार्ट की है, तो इसके जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन इज एनीवेयर बिटवीन 7 to 15%। ग्रोसरी को टिपिकली एक लो मार्जिन बिजनेस कहा जाता है, और किस तरह इसके मार्जिन बढ़ाए जा सकते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऑन एन एवरेज 7 से 10% मार्जिन मिल रहा है ये 400 रुपये पे, तो यू आर अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 रुपीज पर ऑर्डर, लेकिन आपका जो पूरा डिलीवरी कॉस्ट है वो है एक्चुअली 80 रुपीज। सो आप पर ऑर्डर के बेसिस पे ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपीज बर्न या लूज कर रहे हैं। अब बिग बास्केट का जो मॉडल है, जिसमें बिग बास्केट मान लीजिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1,000 या 1,100 की करता है, और मार्जिन स्टैक उनका धीरे धीरे बढ़ के 10 से 15% या 20% हो गया है, सो ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस दे आर मेकिंग एनीवेयर बिटवीन 150 to 200 रुपीज पर कस्टमर पर ऑर्डर। अब इसका मतलब मान लीजिए अगर इनका डिलीवरी कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो पूरा कॉस्टिंग है वो 80 से भी ज़्यादा 120 रुपीज है, दे आर स्टिल मेकिंग 30 to 40 to 50 रुपीज ऑन अ पर ऑर्डर बेसिस। सो इसलिए इस कॉस्टिंग को समझने के लिए या बिजनेस मॉडल को समझने के लिए इसके 3 लेवल्स को समझना पड़ेगा। पहला कि ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसी है, जाहिर है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जैसे बढ़ेगी आपका उसमें जो परसेंटेज कमीशन है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद आपका मार्जिन स्टैक कैसा है, मान लीजिए आपका शुरू करते वक्त बिकॉज आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हिट नहीं हुई है 7% मार्जिन है, ये धीरे धीरे एज आपकी बाइंग पावर बढ़ जाए ये मार्जिन भी 10 से 15 से 20% भी हो सकता है, और इसके अलग अलग तरीके और है बढ़ाने के। और थर्ड है इसका डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट का मतलब ये कि आपका जो 65 से 80 से 100 रुपीज़ का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आ रहा है, अब ये कॉस्ट को भी कम करने के अलग अलग लेवर्स होते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। एक है कि आप डेंसिटी बढ़ाएं जिससे आपके डिलीवरी पर्सन जो है दे कैन फुलफिल मोर ऑर्डर। जो 15 ऑर्डर दिन का कर रहा था अगर वो 20 से 25 ऑर्डर कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपका 1/4 डिलीवरी कॉस्ट कम हो गया। सो इसलिए बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स जैसे आप बिग बास्केट को देखेंगे उनकी कोशिश ये रहती है कि हम सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कितने डिलीवरी कर ले ताकि हम पर डिलीवरी पर्सन ज़्यादा डिलीवरी कर पाए। एंड दीज आर द 3 लिवर्स थ्रू विच यू कैन एक्चुअली मेक दिस बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल। वंस अगेन एक बार समअप करने के लिए, एक है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जितना हाई होगा उतना अच्छा है। एक है आपका मार्जिन स्टैक, जाहिर है जितना हाई होगा उतना अच्छा है। और फिर थर्ड है आपका कॉस्टिंग, जिसको आप ग्रेजुअली इतना और एफिशिएंट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर सारी डिलीवरीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से होने लग जाए तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगा, इसका मतलब आपका ओवरऑल डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगा। सो दीज आर द की वेज इन विच
ग्रोसरी कंपनीज कैन इवेंचुअली स्टार्ट टू मेक मनी एंड हैव अ बिजनेस मॉडल विच इज प्रॉफिटेबल ओवर द लॉन्ग टर्म. अब ग्रोसरीज एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल तो है, इसके कुछ रीजंस हैं. नंबर वन ये है कि ये बहुत कंपेरेटिव इंडस्ट्री हो चुकी है, तो आप खुद ही सोच लीजिए आप कितने ग्रोसरी चैनल्स को जानते हैं. एक जियो हो गया, फिर बिग बास्केट हो गया, स्विगी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं. ज़ेप्टो भी अब चालू हो गया है, रेज लॉट ऑफ मनी. अब मेन चीज़ ये समझने की है कि जब कोई भी इतनी कंपेरेटिव इंडस्ट्री में एक बिजनेस चालू करना हो या बिजनेस को ग्रो करना हो, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन, मतलब बहुत सारा अपोजिंग कैपिटल फाइट करना होता है, क्योंकि आपके पास पॉकेट्स होने चाहिए डीप इनफ या पैसा होना चाहिए टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द बिग जायंट्स लाइक रिलायंस एंड लाइक स्विगी. बिकॉज जितना आप कस्टमर में खर्चा कर सकते हैं वो उससे दुगना भी कर सकते हैं. तो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पे अगर आपको एक बिजनेस लॉन्च करना है तो आपको एक गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी इतनी डिफरेंशिएटेड करनी होगी. जैसे मान लीजिए ज़ेप्टो ने एक बहुत डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी लाई थी कि हम आपको 10 से 20 मिनट में ग्रोसरी ले आएंगे. दैट्स व्हाई ज़ेप्टो वाज एबल टू स्केल, बिकॉज उन्होंने एक डिफरेंशिएटेड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अप्लाई करी विद द राइट काइंड ऑफ कैपिटल. बट रिगार्डलेस जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी, मान लीजिए 10-15 मिनट वाली, उनको स्टिल सिग्निफिकेंट या बहुत सारा कैपिटल चाहिए था अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए और अपने बारे में कस्टमर्स को बताने के लिए. तो ये हो गया एक इशू, ये बिजनेस को कैपिटल इंटेंसिव जो बनाता है. दूसरा इशू ये हो गया कि ग्रोसरी एज अ बिजनेस एक थिन मार्जिन बिजनेस है, मतलब इसके मार्जिन रहते हैं सिंगल डिजिट परसेंटेज में, और आप इसको धीरे धीरे और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं. एनी बिजनेस विच इज अ सिंगल मार्जिन और अ थिन मार्जिन बिजनेस, उसमें आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्लाई करनी होती है. अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरह अप्लाई हो सकती है एक ग्रोसरी बिजनेस में? नंबर वन, आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं. इसका मतलब ये है कि आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जो एक सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास इतने कस्टमर्स हैं एंड आपका वर्ड ऑफ माउथ से बहुत स्प्रेड होता है. तो ये हो गया एक कस्टमर एंगल से एक्विजिशन कॉस्ट के का फैक्टर. सेकेंड इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है आपके डिलीवरी कॉस्ट में. जैसे हमने बात किया था कि एक अगर मान लीजिए आप बहुत सारे ऑर्डर्स एक ही बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाता है, एंड दैट्स वेयर आपकी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्टिंग कम हो जाता है. अब थर्ड है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आप एक मार्जिन कमांड कर सकते हैं. तो अगर आपका कोई जो आप मान लीजिए आपका ब्रेड का सप्लायर है, वो आपको 7-10% के बीच का मार्जिन देता है एज यू आर प्रोक्योरिंग मोर. जैसे आप उससे और खरीदारी कर रहे हैं, वो कहेगा कि आप इतने इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, इसलिए मैं आपका मार्जिन और बढ़ा सकता हूँ. सो आपका 10-12-13-14% मार्जिन कर सकता हूँ, लेकिन ये मार्जिन का भी एक सीलिंग होता है. सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फैक्टर से आपका डिलीवरी कॉस्ट कम हो सकता है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो सकता है, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ सकता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपका मार्जिन स्टैक ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है. सो Until you reach those economies of scale, आपको बहुत सारा capital burn या lose करना होगा just to be able to sustain the business, because inherently, because of low margins and low average order value, शुरू में for the first couple of years, you will lose money. But not when you hit economies of scale. उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं. मान लीजिए अगर at a certain level आपने अपना जो margin stack है उसको optimize कर लिया है, आप 15-18% के बीच में आ गए हैं, आप क्या कर सकते हैं जो आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट अमेजोन में बहुत देखा होगा, आप प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं. अब प्राइवेट लेबलिंग से आप अमेजोन बेसिक्स की आजकल बैटरीज खरीदते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें जो मार्जिन हैं उनके वो सिग्निफिकेंटली हायर है. सो वो मार्जिन है 30-40% के बीच में, नॉट जो आपको 7-10% के मार्जिन दूसरा सप्लायर देता है. तो ये एक तरीका है जिससे एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप अपने खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं और अपना मार्जिन स्टैक बढ़ा सकते हैं. The other way is through auxiliary income. When you have a lot of people engaging on your application, या बहुत सारे लोग आपके application में बार बार आके कुछ खरीद रहे हैं, आप मान लीजिए उसमें advertisement दे सकते हैं. आप जाएंगे Zomato के app में, आपको बहुत बार City Bank का credit card को offer मिलेगा. उससे क्या होता है कि जब आप click करते हैं Zomato को कुछ commission मिलता है. And at the right kind of scale, companies like Amazon actually make anywhere between 2-4% or even 5% of their revenue based on auxiliary income like advertising or listing. Listing for that matter is किसका product पहले आता है. जैसे आप किसी offline retail show में जाएंगे तो आपको जो product पहले दिखा जाता है उस company ने वो shelf space के लिए पैसे दिए हुए हैं, उसको एक app में एक listing fee बोलते हैं. तो ये सब फायदे हैं economies of scale. But just to sum it up, ये capital intensive business model इसलिए है बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट स्पेंड बहुत सारा पैसा टू गेट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड
नंबर टू इज यू नीड एक डिफ्रेंशिएटेड ऑफरिंग या एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो राइट कैपिटल या बहुत सारे कैपिटल के साथ क्लब हो जाए, बिकॉज ये एक बहुत कंपेटिटिव स्पेस है. सो दीज आर द टू रीजंस व्हाई ग्रोसरी एज एन इंडस्ट्री और इवन ई कॉमर्स एज एन इंडस्ट्री is supposed to be a very capital intensive industry. तब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर इतना रिस्की बिजनेस है तो ये सारे के सारी कंपनीज इसके अंदर क्यों घुस रही है? Amazon भी घुस रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि Reliance, Tata, सबके सब इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हाई एंगेजमेंट रेट. अगर आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी लेना है, वो आप शायद साल में दो साल में एक बार लोगे. अगर आपको बेसिक कुछ भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, शायद आप 6 महीने में एक बार ले लोगे. पर ग्रॉसरी आपको डेली चाहिए, दूध आपको डेली चाहिए, या फिर आपको हर दूसरे तीसरे दिन के अंदर एक बार चाहिए. तो ये बहुत ही हाई एंगेजमेंट कैटेगरी है, जिसकी वजह से कस्टमर्स रोज आपको विजिट करेंगे. अगर रोज आपको विजिट करेंगे तो इतने ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे उनको अपसेल करने के. कस्टमर लेने आया था एक चीज, आपने दो तीन चीजें उसको और भेज दी. अगर आप एक बड़े रिटेल स्टोर के अंदर गए होगे कभी भी शॉपिंग करने के लिए, जो कि आपके घर से रिलेटिवली दूर है, जहां पे बहुत सारे ऑफर चल रहे होते हैं, जैसे कि बिग बाजार होता था, जैसे कि डी मार्ट है और भी बाकी स्टोर्स है, तो अगर आप उनके ऊपर जाते हो तो वहां पे डिस्काउंट चल रहा होता है, एक के ऊपर एक 20% off, 30% off. और यहाँ पे पता है कैच होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब आप घर वापसी आते हो ना, आप ध्यान दोगे आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले ली होगी जिसकी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा था, चलो ले लो, डिस्काउंट मिल रहा था, चलो ले लो. तो अगर हाई एंगेजमेंट कैटेगरी है तो लोग रोज आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हो गए उनको अपसेल करके कुछ कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेचने की. एक और चीज़ इस बिजनेस के अंदर है, वो ये है कि एक बार आप इनके बन के रह गए ना, तो आप इन्हीं के बन के रह जाओगे. जैसे किराना कैटेगरी में होता है, अगर आप राशन पानी लेते हो, आप एक दुकान से लेते हो, आप हमेशा वहीं से लेते हो. तो अगर आप एक ऐप के बन के रह गए, एक कंपनी के बन के रह गए ना, तो आप कहीं भटकोगे नहीं, आपके पास दिमाग में रहेगा ये खोलो और यहाँ से ऑर्डर कर लो. यही सेम चीज़ शायद आपने स्विगी जोमैटो के साथ देखी होगी. आप बहुत सारे लोग आइदर स्विगी यूज़ करते हैं या फिर जोमैटो यूज़ करते हैं. कई कई लोग स्विगी जोमैटो दोनों यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस कभी भी लॉयल ऑडियंस नहीं रही है, वो हमेशा जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ भागते हैं. पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में हाई डिस्पोजेबल इनकम है, जिनके पास में पैसा है खर्च करने के लिए, उनको टाइम वाइम नहीं लगाना है, तो वो लोग एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, आइदर जोमैटो या फिर स्विगी या फिर कोई और उसके अंदर ऑर्डर कर लेते हैं. वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, जो ऐप उनको दिखाती है वो ले लेते हैं. तो ग्रॉसरी वाले बिजनेस के अंदर भी इसी तरीके का बिजनेस बन सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर. और ये बहुत ही बड़ी अनसॉल्व प्रॉब्लम है ना यार, अभी तक कोई इसको ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया है. हम बात करते हैं ये कर रहा है वो कर रहा है, पर अभी सबके सब लॉस के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो जब इसको कोई ढंग से सॉल्व कर पाएगा तभी मज़ा आएगा सारा का सारा. तो अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, अगर आप एक ग्रॉसरी के बिजनेस में जाना चाहते हो, एक स्टार्टअप बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बना सकते हो? क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है भी या फिर नहीं? तो एक बार आकाश भाई से इस चीज़ को समझते हैं. उन्होंने दूध वाला के टाइम पे बहुत ज़्यादा लर्निंग ली होगी, और ऐसा मुझे लगता है कि जब भी हम कोई चीज़ को नहीं कर पाते हैं ना, उसके बाद मार्केट के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस कैटेगरी के अंदर. तो आज ये सारे के सारे बिजनेस को स्टडी करते रहते होंगे कि ये कंपनी क्या कर रही है, इसके अंदर ये कैसे बेटर कर सकती थी, तो इनका माइंडसेट आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा. तो इनसे जानते हैं, अगर आज के टाइम पे हमको एक सक्सेसफुल ग्रॉसरी बिजनेस क्रिएट करना है तो हमको कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अब साहिल, की ये ग्रोसरी कंपनीज कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, ये इसका रिप्लाई थोड़ा स्पेक्यूलेटिव है. और इसका एक रीज़न है कि किसी ने अभी ये इंडिया में और इवन ग्लोबली एट स्केल प्रूव नहीं किया है. ग्रोसरी की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, फ्रॉम द 90s. एक वेब बैन करके कंपनी थी जो बहुत एक ग्रैंड फेलियर हुआ था अर्ली 2010s में, उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ द .com बस्ट. बट अब लेकिन जस्ट बिकॉज अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता. क्लियरली एक बिजनेस मॉडल है जो ऑफलाइन वर्ल्ड में काम कर रहा है, एंड इसको एट अ सर्टन स्केल रेप्लीकेट किया जा सकता है. कुछ कंपनीज कर रही है, देर आर सम ग्रीन शूट्स. बट एज एन ओवर आर्चिंग थीम मैं ये कहूँगा कि इस बिजनेस मॉडल में एक रिक्वायरमेंट है, और वो है एक्सट्रीम फोकस. बिकॉज बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स में आप कई चीज़ कर सकते हैं और उसके कॉस्ट उतने हाई नहीं होते हैं. एक बार आपके पास एक प्लेटफॉर्म है या कस्टमर्स है तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. अब ग्रोसरी एक ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस मॉडल है, बड़ा क्लियर कट है. कुछ आपको माल बेचने का एक कमीशन मिलता है, और उस कमीशन से आपको अपना धंधा चलाना है और कैश फ्लो मेंटेन करना है. तो अगर आप
इस पे फोकस करे कि मेरे को बस ये चीज करनी है और ये चीज एकदम अच्छे से मैं करूंगा, तो क्लियरली ये एक बिजनेस बन सकता है। बहुत बार क्या हुआ है एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स या ग्रोसरी इंडस्ट्री में कि सब लोगों ने बहुत फैला लिया है अपने ऑपरेशंस को। सो कुछ लोगों ने सिटी बाय सिटी, स्टेट बाय स्टेट अपने ऑपरेशंस खोलते रहे बहुत थिन कस्टमर बेस पे या बहुत थिन डेंसिटी पे। उस पर क्या हुआ कि उनके कॉस्ट्स बहुत इन्फ्लेट हो गए एंड दैट्स व्हाई एज अ बिजनेस वो चल नहीं पाए। ये इस तरह का बिजनेस मॉडल हमने 2015 से 20 के बीच में बहुत देखा था एंड बहुत सारी कंपनीज चली, बहुत सारी नहीं चल पाई। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम फोकस से इस बिजनेस मॉडल को अप्रोच करे, वो कुछ तरीके होते हैं उसको करने के। एक है कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट में फोकस करें। अगर आप आज बोलें कि मैं एक मास या मास प्रीमियम या प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट में फोकस कर रहा हूँ, आपको उसी कस्टमर सेगमेंट के लिए केटर करना पड़ेगा। जैसे स्पेंसर्स रिटेल है, वो एक मास प्रीमियम कस्टमर सेगमेंट को फोकस करता है। बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज है, किराने वाले जो हो गए आपके लोकल मॉम एंड पॉप स्टोर्स, वो एक मास और एवरीडे कस्टमर को केटर करते हैं। लेकिन अगर आप अपना कस्टमर सेगमेंटेशन ठीक से कर ले, तो आप जो प्रोडक्ट्स उस पर स्टॉक करते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि आपको सब कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करने। फिर आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन एक सेट हो सकती है। तो एक तरीका है एकदम अपने कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करें और उस कस्टमर सेगमेंट को एकदम कैप्टिव कर ले कि वो आपके अलावा कहीं और से खरीदे ही नहीं। दूसरा तरीका है कि आप एक बहुत ज्योग्राफिकल वे पे फोकस करें। बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग सिटीज खोल लेती हैं, उनके कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाते हैं, कॉस्ट फूल जाते हैं और बिजनेस मॉडल का भी सेंस नहीं मेक करता। लेकिन अगर आप एक ज्योग्राफी पे फोकस करिए, मान लीजिए आपने महाराष्ट्र में या कर्नाटक में, बैंगलोर में आपने शुरू किया, गुड़गांव में आपने शुरू किया, आपने बहुत सारे वहाँ पे अपना सारा एफर्ट वहीं पे फोकस किया, अपने सारे डिलीवरी चैनल वहीं पे किए, ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन दैट पर्टिकुलर पॉकेट, इसको ग्रोसरी या डिलीवरी इंडस्ट्री में पॉकेट्स बोलते हैं, उस पॉकेट पे आप किंग ऑफ दैट पॉकेट हो सकते हो, विच मीन्स दैट बेसिकली सारे आपके कॉस्ट एंड मार्जिन एंड एओवी पैरामीटर्स ठीक रहेंगे। सो आई वुड से कि वन ऑफ द वेज टू मेक दिस बिजनेस सक्सेसफुल इज थ्रू एक्सट्रीम फोकस। एंड आपको ज़्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बिजनेस मॉडल है डीमार्ट कंपनी, आपने सुनी होगी, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, एंड इनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। ये एक मास कस्टमर सेगमेंट पे जाते हैं, हमेशा इनको डिस्काउंट देते हैं, सो चीपेस्ट एवरी डे प्राइजेस का इनका एक स्ट्रैटेजी होता है, एंड ज़्यादा थ्रूपुट करते हैं, मतलब एक स्टोर से वो बहुत सारे आइटम्स निकालते हैं ताकि इनका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये एक सर्टन ज्योग्राफीज में वॉल्यूम गेम खेलते हैं एंड यू विल नॉट फाइंड देम एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आज डी मार्ट की डिलीवरी मिलती नहीं है या डी मार्ट का एक्सपीरियंस मिलता नहीं है, बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन दैट कस्टमर सेगमेंट। इफ यू लुक एट ज्योग्राफिकली ऑल्सो, आपको यू विल ओनली फाइंड डी मार्ट इन एरियाज वेर देर आर, मान लीजिए एक मास या स्लाइटली मास प्रीमियम कस्टमर बेस होगा, आपको एक बहुत एफ्लुएंट एरिया में डी मार्ट जैसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलेगा। सो आई वुड से किसी को अगर ये सक्सेसफुल एक ग्रोसरी वेंचर चालू करना हो इस फील्ड में, देन एक्सट्रीम फोकस, नोइंग कि ये एक बहुत ही ऑपरेशनल इंटेंसिव बिजनेस है, 24/7 रिलेंटलेस, जिसको आप एक थैंकलेस बिजनेस बोल सकते हैं। आपको कस्टमर को हमेशा खुश रखना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट इफ यू गिव द राइट एक्सपीरियंस, द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट प्राइसेस, देन यस, एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होना इसमें पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रह गया तो नीचे कमेंट के अंदर बता दो। लाइक करो उस वीडियो को, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, कौन सा सेक्शन अच्छा लगा, क्या आपके लिए लर्निंग थी। अगर आपको आकाश भाई से कॉन्टैक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इनके लिंक्डइन का, आप जाके इनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो भाई फाइनली, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को जो ये करना चाहती है, एक क्विक लाइनर। तो फाइनल थॉट्स में साहिल, एज फार एज द ग्रोसरी इंडस्ट्री इज कंसर्न, ऑनलाइन ग्रोसरी इंडस्ट्री जो है, इसमें मैंने बताया इसमें एक की चीज है जो फोकस है। अगर आप फोकस करें एक राइट बिजनेस मॉडल पे, राइट कस्टमर सेगमेंट पे, राइट ज्योग्राफी पे, यू कैन मेक अ सब्सटैंशियली लार्ज बिजनेस। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बहुत कंपेरेटिव फील्ड है, इसमें बहुत ऑपरेशनल हैवी है, 24/7 है, थैंकलेस जॉब है, इसमें आपको कस्टमर की गाली ज़्यादा सुननी पड़ती है, बट दैट्स ऑल्सो द फन ऑफ द गेम। सो जो मैं एडवाइस देना चाहूँगा वो थोड़ी जेनेरिक होगी, आई वुड नॉट रियली टॉक ओनली अबाउट द ग्रोसरी इंडस्ट्री, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि देखिए, आपको किसी भी लाइन ऑफ बिजनेस में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको हर लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत मुश्किलें होगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो अनलेस यू आर ट्रूली पैशनेट कि मेरे को ये लाइन ऑफ बिजनेस अच्छा लगता है, पहले तो आप प्रैक्टिकली समझ जाइए, पैशन के नाम पे किसी ऐसे बिजनेस मॉडल में नहीं घुस जाइए जहाँ पे
कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है। तो वो एक चीज आपको एसर्टेन करनी होगी कि देखिए हाँ ये अच्छा धंधा है, मैं इस धंधे में घुसना चाहता हूँ, मैं इस धंधे में अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स है इस काइंड ऑफ बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रोसरी लाइन ऑफ वर्क यू नीड टू बी कस्टमर सेंट्रिक, यू नीड टू हैव अ वेरी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स ड्रिवन माइंडसेट। एंड देन वंस यू हैव एनालाइज कि प्रैक्टिकली ये मेरे लिए पॉसिबल है, आपको ये समझना होगा कि हर बिजनेस में बहुत मुश्किल होती है। हो सकता है ये बिजनेस में ज्यादा कॉम्पिटिशन हो बट ऑल्सो ज्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कुछ बिजनेसेस में कॉम्पिटिशन नहीं होता लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी नहीं होती। तो कहाँ पे आप मेहनत करेंगे वो आपको डिसाइड करना चाहिए। एंड अबव ऑल देखिए ये एक 10-15-20 होपफुली इवन लॉन्गर जर्नी है, बिकॉज जितना लंबा चलेगा उसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, अच्छा चल रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यू नीड टू बी एबल टू हैव फन व्हाइल यू डूइंग दिस। सो एन एडवाइस फॉर एनी एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग इन एनी लाइन ऑफ वर्क एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्रोसरी इंडस्ट्री एज वेल इज कि अपना बिजनेस मॉडल समझ ले कि ये अच्छा बिजनेस मॉडल है, अपने स्किल सेट समझ ले कि मेरी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट इसमें है कि नहीं है। एट द सेम टाइम ये समझ ले कि मुश्किलें बहुत आएंगी, 99% फ्रस्ट्रेशन है, बट आई एम गोइंग टू हैव फन थ्रू ऑल ऑफ इट। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।